देखो पत्रकार बनिए तो इन्हें सब तो ज्यादा मेरा गै रगड़ा करना इस वास्ते अगर हीरो बनी जान आऊ भी फिल्म दिखी दिखिए ताली बजा के तो राहुल सर की एक्टिंग रहेगी बड़ी के शायद इं लगा दे कि जियां कोई गोविंदा टाइप राहुल खत्री की इन्ने गफे चले ना कैली डांस नहीं करना आता उसी जेडे साडे कोरियोग्राफर है उन्हें गफे कटे फिर डायरेक्टर ने कटे वो लभना भी है मैं फ्यूचर में आप भी कभी किसी हमें सॉन्ग में दिखूं आई हैव गॉट आई हैड गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बट थोड़ा सा इंटरेस्ट कम था है भी बिकॉज़ आई एम इनटू जॉब मैं पोस्टर ऊपर जागी तो चुके दा कुड़ी की ठीक है ए किन्ने टेक ऊपर होया या किया चुकया ए मारे ए लगदी निक्की जी दी हड्डियां बड़ी मजबूत ने ए घट तो घट 50 किलो दी गुत्थी होनी शादी ब्याह पर लगी नचनिया लगाना और शादियां वैसे भी आने वाली हैं तो मुझे लगता है बिजी ही है सब अपने अपने शादियों पे ये सॉन्ग लगवाएंगे शादियों के लिए बुक करे त्रिनेत्र प्रोडक्शन मैं सुना आज दिल च का उमऊ आ रहा का उमऊ कैसी हो रहा मैं लगा जी पता नहीं जिंदगी का बड़ा बड़ा इम्तिहान है तो रिजल्ट आने वाला है बोला कर दिया जन्मदिन है मेरा टाइम पर पहुंच जाओ मैड ग्लैड हां जी ओके नू चाहिए वैसे खत्री हुंदा ते ब्याह हो जाता ते अहें बोलिया कि यार नू तुसी नी नू तुंदे चाहिए तुंदे चाहिए मां प्यो की चाहिए तू किन्नी नूआ लेनिया मतलब कमिटमेंट की थी फिर मैं अपनी भी नहीं सुनती तो टाइम जड़ा आया वो इस वक्त मतलब आया थे मम्मी डैडी की तो तेरे जेनू चाहिदी तेरे जेने बस तू चाहिदी मम्मी डैडी की तो तेरे जेनू चाहिदी तेरे जेने बस तू चाहिदी जम्मू वाले आवा सुप्रीतिका शर्मा मैं ठीक हाँ तो आशा करगी तुस लोग भी सारे ठीक हो गए जियाँ कि वैडिंग सीजन शुरू हो गया है तो अज मैं प्रेस क्लब एक सोंग रिलीज ले आई हाँ वह भी गाना जोड़ा है नूह चाहिए है डीजे उपर लाई है नचले वाला गाना है साढ़े राहुल खत्री साहब और लीड रोल किया है तो उन्होंने भी गलबात करने पूरी टीम कने भी गलबात करने कि कनेहा एक्सपीरियंस हा तो अज इतने चीफ गैस पता कौन आए थे रविंदर रैना साहब और आए थे तो उन्होंने भी कोशिश करगी कि मेरा पहली बार होना मैं उन्होंने गल करनी हाँ तो दिखगी मौका मिली पांदा नहीं मिल पांदा तो चलो आगे चलने आ कनेहा लग गया बड़ा के शायद और गाने आए चाहिए होले मते नहीं अगर ब्याह पर एक गाना लगे तो तुझ नचे कुछ जरूर तो राहुल सर की एक्टिंग नहीं बड़ी के शायद यहाँ लगा दे है कि जी हाँ कोई गोविंदा टाइप अच्छा जी गोविंदा टाइप अच्छा जर्नलिज्म कनेहा है बड़ा का खतरनाक है कि जर्नलिज्म छोड़ना चाहिए था उन फिल्म इंडस्ट्री पर जाना चाहिए था या दोनों काम करने चाहिए देखो पत्रकार बनिए तो इन्हें सब तो ज्यादा मेरा गै रगड़ा करना इस वास्ते अगर हीरो बनी जान आऊं भी फिल्म दिखी दिखिए ताली बजा के क्या गल है ठीक है थैंक यू सर मीनू मैम भी है तो मैम कैसा लगा गाना सॉन्ग तो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के कि जो हमारा डोगरा जो यूथ है जो यंगस्टर्स हैं वो उनका दे आर वेरी टैलेंटेड और उनको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की जो कमी आती थी आज की डेट में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है और उनको सपोर्ट एंड प्रमोशन जो मिल रहा है उससे वो और ज़्यादा इनकरेज्ड हो जाते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम ये ऊर्जा सिंह जी ने यहाँ डायरेक्ट जो इनको किया है बहुत अच्छा आई रियली अप्रिशिएट दी सॉन्ग एंड दी एक्टिंग एंड एवरी थिंग वॉज सो गुड कहीं ना कहीं ये प्राउड फीलिंग वाली बात नहीं कि हमारी डोगरी हमारी अपनी लैंग्वेज के ऊपर अब सॉन्ग्स निकल रहे हैं ऑफकोर्स पहले यही इसी चीज़ में जो हमारा जम्मू है वो लैक करता था क्योंकि जो हमारी जो मातृभाषा है डोगरी इसी इसमें थोड़ा हम लोग पीछे रह रहे थे और आज बहुत प्रमोशन मिल रहा है हमारी डोगरी भाषा को तो ये अपने आप में ही एक प्राउड फीलिंग है तो मैं फ्यूचर में आप भी कभी किसी हमें सॉन्ग में नहीं आई हैड गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ बट थोड़ा सा इंटरेस्ट कम था है भी बिकॉज आई एम इन टू जॉब तो बट आप आओ हमें अच्छा लगेगा Okay, I'll definitely try. हमारे साथ विक्रम मेहता जो आपको ना अगर इसका इंस्टा हैंडल देखोगे ये पहाड़ों में ही घूमता हुआ दिखता है आज जम्मू कैसे आज जम्मू इसलिए वीडियो रिलीज हो रहा है अंदर विक्रम ने किया क्या इसमें मैंने डीओपी किया एडिटिंग की है मेरी फोटोज मुझे आज दिन तक नहीं मिली है ठीक है फोटोज मैंने सौरभ को सेंड की थी वो मुझे नहीं देता मैंने तुझे कहा ना वो मुझे नहीं देता मैं खुद सेंड करूंगा आज नहीं तो मैं तुझे बोला तू मेरे मोहल्ले में रहता है मैं अगर अपने घर से बड़क मारूंगी ना तेरे घर तक आएगी आपको आज रात को 12 बजे से पहले पहले फोटोज आ जाएगी अगर नहीं आई कल सुबह आप अपलोड कर दोगे देख लेना पब्लिक सबको पता लग जाएगा कल फोटोज आ रही है ये देखो इसको पता है कि मुझे कितना वो है फोटोज का ओके गाने से रिलेटेड कुछ बताओ कैसा एक्सपीरियंस था
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब पहला मेरे पास सॉन्ग आया डोगरी जो डीजे टाइप वाला है कि मतलब बार बार बंदा सुने, बार बार सुने साथ में आ देना कि शादी ब्याह पर लगी नचनिया लगाना। हाँ हाँ हाँ, और शादियां वैसे भी आने वाली हैं, तो मुझे वैसे भी बिजी ही है, सब अपने अपने शादियों पे ये सॉन्ग लगवाएंगे। शादियों के लिए बुक करे त्रिनेत्र प्रोडक्शन, ये अपनी प्रमोशन करवा रहा है फ्री में। देखो कितना चालाक है, ये वेरी चालाक। सॉन्ग दे मेन लीड्स ऊपर ते राहुल साहब, मिगी गल सुना हा, जर्नलिज्म होई आ, क्रिकेट होई आ, फिल्म च ओ पहले साइड रोल हा, उन ओ आई आ, उन तू सीधा जंप मुंशी दा रोल हा, मेरे ख्याल कने उन तू सीधा जंप कीता मेन रोल ऊपर गाने च, फीलिंग कने आ दी है? फीलिंग मी अच्छा सुनायो। मैं सुना अज दिल च घमऊ आ रहा हा, घमऊ कैसी हो रहा हा, मी लगा जियां पड़े जिंदगी दा बड़ा बड़ा इम्तिहान आ ते रिजल्ट आने वाला है। ओदी वजह मैं सुनाना, क्योंकि मी ना मैं हमेशा अपने आप की जियां बोलना कि आई एम लर्निंग रिपोर्टर, ते उहां मैं हर इंसान जिंदगी च कुछ ना कुछ सिखदा, हर दिन सिखदा, ते एक्टिंग जिहड़ी मैं बड़े सालां दे करदे आ ना, ओदे सब तों ज्यादा क्रेडिट जांदा आदित्य बानू जांदा, जिन्हें मी शुरू शुरू तों चांस दित्ता। कॉमेडी बथेरी की, साइड रोल ही बड़े किए, जिले मेन रोल आया तो मेरी लत्त कंबा दिया, मैं रोई सी, ख्वाहिश ही बोलना, ख्वाहिश यार जाने अनजाने में मेरे से गलती होगी हो तो सारी, मैं सी दो दिन लगातार मतलब आस्ते आस्ते कंफर्टेबल करा, क्योंकि ये प्रोफेशनल है, काम करा दी है, ये बॉम्बे राजस्थान तमिलनाडु हर जगह काम करी आ रही, वैब सीरीज आ दी आने वाले टाइम च, तो ये आसान हाँ। तो उपरू डायरेक्टर साहब साढ़े बोलते ये रोमांटिक सीन है, तू इं कोल जाना, पोस्टर ऊपर जागी तो चुके दा कुड़ी की, ठीक है, ए किन्ने टेक ऊपर होया या किया चुकिया? ए मारे ए लगदी निक्की जी, एदी हड्डियां बड़ी मजबूत ने, ए घट तो घट 50 किलो दी गुत्थी होनी तेरे पर, मैं चुकी, मैं भली लोके, मैं जल्दी खींच, हर एक्सप्रेशन नहीं आ रहे चेहरे पे, एक्सप्रेशन नहीं आ रहे चेहरे पे, मैं ये चुके बैठा था, मैं चलो ठीक है ओके। चलो पहले आया कि एक रोल ए आना है कि तुसी चुकना है, तुस मनी है, एक बार च मनी है? मरो मैं तो मनी है, मैं एक दुई अख दिखा नाड़ी मम्मी वाले पासे, मम्मी मी कुरी दिखा दी हूं। अच्छा रही गल, स्क्वाइश ने थ्रूट बड़ा कोऑपरेट किया, बट ना एक आखिरी सीन हा उच किया, डॉक्टर साहब ने बोलिया तुसे हसना ते हसी ना इया जफा पाई लेना, ठीक है, मैं अच्छा फिर एट द एंड मम्मी का सबर टुटी गया, आखिर किन्ने जफे पाने उन गाने च तो खैर बड़ी याद है, और ख्वाहिश ने ना अगर ख्वाहिश कोऑपरेट नहीं करती, मैं 16 साल उम्र है दी, और ओदे बावजूद इन्नी मैच्योर प्रोफेशनल सोच, जेड़ी आर्टिस्ट अपने को आर्टिस्ट कंफर्टेबल करी ओड़े ना, इस तो बड़ी गल कोई नहीं होंदी है, ते बड़ा मजा कीता से फन सेट कीता। लीड रोल जेड़े गया फीमेल ख्वाहिश ऊपर जागे ते ख्वाहिश इत्थे आई है डोगरी बोली लगे ना? मैम अभी डोगरी सीखती हूं ओके, हिंदी में बात करते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सबके साथ बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम के साथ काम करके, और राहुल खत्री जी के साथ तो पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन पूरी टीम के साथ सेकंड एक्सपीरियंस था। ऊर्जा मैम का थैंक यू सो मच, गाने में बहुत सपोर्ट किया, और आप सबके भी सपोर्ट चाहिए। जी जी, तो डोगरी जैसा कि आप सीख रहे हो, तो ये गाना समझ आ गया था आपको? हां जी समझ आ गया था, और डायलॉग भी था ना मेरा, वो आदित्य बानू जी ने बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी डायलॉग। डायलॉग बोल दो हमें जरा। हेलो, हां जी ख्वाहिश बोला कर दिया, जन्मदिन है मेरा, टाइम पर पहुंच जाओ मैड ग्लैड। हां जी ओके, बस डायलॉग बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, एक्चुअली मैंने डोगरी नहीं बोली थी कभी भी, लेकिन आदित्य बानू जी ने बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी डायलॉग बोलने में, और पूरी टीम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ते उन अस गल करके जेड़े इस गाने च ना दोस्त बने दे, गाने च ते दोस्त है नहीं, उहां भी राहुल साहब दे दोस्त ही हैं, इकट्ठे ही दिखदे ने, ते ओ आंदे ना BTS बिहाइंड द सीन कनेही मस्ती हुंदी है। मैं आखरा कि जेड़ा है बिहाइंड द सीन जेड़ा है काम कीते दा ना, ओ भी आए बड़े जल्दी ऑन रिकॉर्ड करना है। नूह चाहिदी, वैसे खतरी हुंदा ते ब्याह हो जांदा, ते आहें बोलिया कि यार नूह ते उसी नी, नूह तुंदी चाहिदी, तुंदी चाहिदी, मां प्यो की चाहिदी, तू किन्नियां नूहां लैनियां, बड़ी मस्ती कीती। डायरेक्टर ने बोलिया यार इसी राहुल खतरी बाहर कड्डो, वरुण की ले लो, वरुण ठीक है क्योंकि जज जज दा भी है, और नूह ते इहदे घर आले की चाहिदी है, लेकिन चलो ठीक है, दूई वारी भी राहुल खतरी लई है, चलो मौका अगली वार भी मिल लग, और नूह चाहिदी गाना जेहड़ा इस वेले बीट सॉन्ग चला, तुसीं गाना सुनिया बड़ा बेहतरीन गाना, बड़ा सोहना गाना, और सीजन देखो वेडिंग सीजन चला दा, और जेड़े सिंगर न शाम साजन उंदा हफ्ते बाद ब्याह भी आंदा, के गल है, मतलब अपने ब्याह उपर गाना लाए जरूर नच के यो गाना चलना, लेकिन मैं तुसी सही गल सुना, जेड़ा है बिहाइंड द सीन आया, जेड़ा मजाक कीता, जेड़ा मैं ते सन्नी ने जिन्हें सानू सोना सोना बनाया, उधर मेकअप कीता, ते मैं ते सन्नी ने ना इन्नी मस्ती कीती ना, ते राहुल खत्री की ना मेकअप उपर आगे फाउंडेशन तुसी भी धुप्पी होनी आ? नहीं फाउंडेशन नहीं, लेकिन ब्लीच ब्लूज कीती थोड़ी आदी, ए भाई ताई ब्लीच नहीं, एक गल बोल ना, राहुल खत्री की इन्ने गफे चले ना कैली
डांस नहीं करना आता उसी जेडे साडे कोरियोग्राफर है उन्हें गफे कटे फिर डायरेक्टर ने कटे वो लबना भी है क्योंकि पूरा रिकॉर्ड किया था बीटीएस ना जरूर कटियो और मैं कटना कटना उस सारा रोल जेड़ा राहुल खत्री दा होना उते लेकिन जेडे उसी गफे चले दे ना मैं आखना जेरा जेरा वो बनाग ना बिहाइंड द सीन वो चीजा अगर पागना मैं आखना इस गाने तो ज्यादा फेमस जेरा वो साडा बिहाइंड द सीन वो बड़ी वीडियो वाले मैं आखना कि मेरे को सीन भी पे देना लेकिन मैं उन्हें बोलूंगा कि सीन जरूर पाओ क्योंकि राहुल खत्री अगर गल करा तो आर्टिस्ट बड़ा अच्छा लेकिन डांसर बड़ा बेकार है ऐसे ऐसे सीन है लेकिन कटने पे इजी इजी स्टेप आने पे तो बाकी यारा जरा बीटीएस जोड़ी आग ना हाँ जी मेरा गला थोड़ा खराब है क्योंकि कंटिन्यू प्रोग्राम चला थोड़ा कोल्ड दे करिए ते जिन्ना गना भी है माड़ा जटा कमजोर एडजस्ट करी लग गए हां जी नहीं एडजस्ट जरूर करना से आखदी है मम्मी पैरे हाथ नहीं लोहना आखदा है डैडियो चुंडनी कड़ाना आखदी है मम्मी पैरे हाथ नहीं लोहना आखदा है डैडियो चुंडनी कड़ाना दिला कन्ने करे जेड़ी साणा सत्कार दिला कन्ने करे जेड़ी साणा सत्कार ऊए सानू मखमली रूह चाहीदी मम्मी डैडी की तो तेरे जेनू चाहिदी तेरे जेने बस तू चाहिदी मम्मी डैडी की तो तेरे जेनू चाहिदी तेरे जेने बस तू चाहिदी और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्याह तो साहिबा हमारे साथ हैं तो मैम कैसा एक्सपीरियंस था अच्छा मैं डोगरी गल करा ना ओके बाकी हिंदी वाले थे डोगरी आने मैम कनेहा एक्सपीरियंस था बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था सब तो पहले तो बकलोल टीवी की बड़ा बड़ा धन्यवाद कि तुस आए कवर करन और उन्दे माध्यम दा लोग ज़्यादा तो ज़्यादा दिखन वैडिंग सीजन चला था सारे इंजीनियर जी नू चाहिदी उन्हें ये स्पेशल गाना सो सेंड करो कि वो दिखन बाकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया म्यूजिक बड़ा अच्छा हा हर एक प्रोजेक्ट हो चाहे गाना हो चाहे फिल्म हो प्रोड्यूसर दा ना वो आखदे ना ये अलग काम बड़ा शैल हुंदा ते अगर उपर उपर एस्टीमेट लाचे तो किन्ने बजट दे अंदर अंदर गाना बनया तामी उड़दा उड़दा सुनायो एग्जैक्ट नहीं सुनायो एक्चुअली मैं प्रोड्यूसर बड़ी नलायक हाँ तो मैं हिसाब किताब कोई किया नहीं बेसिकली ये कोरोना के वक्त असा एक ऑनलाइन कंपटीशन रखा हाँ जेदे च जड़ा भी विनर हा उसी असा आडियो तो वीडियो देना हाँ तो मेरे एनजीओ का यह फर्ज बनता कि जेदे कने मतलब कमिटमेंट की तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनती तो टाइम जड़ा आया वो इस वक्त मतलब आया तो असा वो दिता तो सारे के सहयोग कने मैं ये देखा नहीं के गया तो के आया तो सारे का प्यार हा तो इस करिए अच्छा प्रोजेक्ट बनी है तो न्यू चाहिए टीम कने अस गल की ना मिगी अज सोचो पहली बार जिंदगी च रविंदर राणा होने कने गल करने का चांस मिला मैं उन्हें पूछा सर कनेहा गाना हा तो सर ने आख्या गाना तो शैल हा मैं अगर तुम्हें की मौका लगभग डीजे उपर लगे गाना नचना तो सर ने ना वैसे इस पॉइंट उपर जवाब नहीं दिता है तो काफ़ी मौजू शोजू पा दे खुश है सर लभा दे तो मैं प्रोड्यूसर साहब कने उन्हें गल की तो मैडम होरें आख्या असें कॉन्टेस्ट रखे दा हा और बेसिस उपर अस फिर उन्हें बंदे की प्रोमिस किया जो जितक तो उन्हें मौका देंगे तो यह मौका उन्हें भी लभ्या तो सिंगर कने गल की सिंगर की गल करा तो ब्याह एक हफ्ते के अंदर अंदर तो बड़ी शैल गल हुई ना कि वो गाना लाइए जरूर नचक अपने ब्याह उपर ते एक्टर्स जेड़े दोनों मेन लीड रोल उपर है साढ़े राहुल खत्री साहब और जेड़े जर्नलिस्ट भी हैं कने कने उन्हों पहले उन एक मूवी की जेड़ा साइड रोल हा मुंशी का रोल हा उन सीधा आखिर ना टपला पाइए सीधा मेन लीड रोल उपर आइए यही साड़ी सारी न्यू चाहिए टीम तो यह गाना रिलीज़ हो ही गया द जेके पेजिस उपर तो सारे जाइए दिखो ब्याह आला सीजन है गाने की लाओ नचो दे प्यार दो तो कन्ने भुल्लो नहीं है द बकलोल टीवी भी दिखना है ओके बाय।